अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी जनाब हम अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं एक मिनी स्विट्ज़रलैंड में, जो कि नाम भी इनका मिनी, ये आपको भाई बताएंगे, एहसन भाई माशाल्लाह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, लेकिन पहले बात करेंगे एहसन भाई से कि बताइए इस जगह के बारे में, बताइए गाँव का और ये लोग। जी जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं आप? जिस हम निकलेंगे हमजा वैली से सुस्त बॉर्डर के लिए, तो तकरीबन 35 या 40 किलोमीटर करके फिर ये एक इलाका आता है, इसे गुजाल के नाम से कहते हैं, और रोड के ऊपर है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, आएँ यहाँ पे विज़िट करें। यहाँ पे होटल नहीं है दोस्त, जस्ट चाय वगैरह के लिए, फास्ट फूड के लिए छोटी सी एक दुकान बनी हुई है, मगर इंजॉय अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। यहाँ पे आएँ, चिल करें, इंजॉय करें, फैमिलीज़ को लेकर आएँ अपनी। गिलगत बल्तिस्तान बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। एक चीज़ और भी आप बताएं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब यहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। आप ऐसा समझें कि आप अपनी फैमिली को जिस तरह भी केयरफुल आप रखना चाहते हैं, कि अगर आप कहते हैं कि मैं होटल के रूम में रहूँ और बाहर अगर मेरी बच्चे चले जाएँ तो मुझे कोई टेंशन हो, तो वो इससे प्यारा इलाका नहीं है कोई भी। इंसान सुकून से अपनी फैमिली के साथ आ सकता है, कोई बदतमीज़ी नहीं करते यहाँ पे, पढ़े लिखी जनरेशन है। और आपको अगर कोई खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है या कोई भी मसला बन जाता है, तो लोग आपके साथ कॉपरेट करेंगे, ना कि उल्टा दूसरे जिस तरह इलाके हैं कोयटा वगैरह चले जाएँ या बैक उनके इलाके हैं गाँव वगैरह, तो वहाँ पर बंदा डरता रहता है कि भाई खुदा ना खासा हमारे साथ कोई वारदात ना हो जाए, कोई वादा घाटा या मिसप्लेस ना हो जाए कुछ भी। पर यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखा है लोग खुद गाइड कर रहे होते हैं कि इधर आपने ख्याल से, इधर थोड़ा सा आप कैसे हैं, आपको कुछ जरूरत हो। लोग इतने कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह, और आगे से बढ़ के आगे से करना चाहते हैं कि हम जितनी खिदमत कर सकें। बिल्कुल। और ये मैं देख के हैरान, क्योंकि जहाँ पे हमने स्टे किया था, अब यकीन करें बाखुदा अल्लाह जानता है उन्होंने जितना कोऑपरेट किया माशाल्लाह। राका पोशी पॉइंट बहुत अच्छा है, फैमिलीज के साथ आए राका पोशी फेस वन में रहे आप। अगर ज्यादा आपने चिल करना है तो वो थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे आप राका पोशी पे, हाँ जी, बेस टू पे, वहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है, और राका पोशी की पहाड़ी की वहाँ पे टॉप है, बिल्कुल बिल्कुल, जो गिलगत बल्तिस्तान को लगती है। हाँ जी, आप अपनी फैमिलीज के साथ आए, हाँ जी, अच्छा इंजॉय होगा, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। एक जगह पे हम रुक गए हैं, हम थोड़ा सा आप लोगों को आगे दिखाना चाहते हैं, ताकि हम बात करते करते साथ साथ चले भी सही। हाँ जी, और हम लोग आते हैं ना यहाँ पे, अक्सर लोग डरते हैं। मजे की बात बताऊं, एहसन भाई जो है ना, उनके ससुराल यहाँ पे, गिलगित बल्तिस्तान से, बिल्कुल इनका ताल्लुक भी यहाँ से, लेकिन पाकिस्तान पूरा तकरीबन घूम चुके हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें, हमें पता नहीं है कि किधर सड़कें जा रही हैं, ये आइडिया लगा के हमें बता दे भाई अभी आ गया बस। और बाकी बाखुदा हमें अब तक समझ नहीं आया पूरे सफर में कि कैसे, मतलब के गुजरा है, क्योंकि वो 25-26 घंटे हमने मतलब के साथ एहसन भाई के, मीन्स के अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मैं नहीं समझता था इतना सफर भाई। यकीन करें, एक तो बैठ बैठ के थक गए, फिर दूसरा हमने स्टे कोई नहीं किया, मतलब मुसलसल 25-26 घंटे जो है ना हम लोग ट्रैवलिंग पे ही रहे। ट्रैवल मतलब एहसन भाई हो गए हमारे दूसरे भाई माशाल्लाह से, अभी खैर उनसे भी मिलवाते हैं, तो मतलब क्या बताऊं कसम से, जितनी मतलब के इस जर्नी में इंटरटेनमेंट हो गई, तफरी हो गई, और एंजॉयमेंट भरपूर है। अगर आप आना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर हम बाग की तरफ आए तो पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो देखें बाग को, ये कुर्बानी दिखाएं लाइव ही नहीं, ये हम दोस्तों को अभी कुर्बानी दिखाते हैं। तो ये देखिए जी, मेरे पीछे सारे बाग हैं, अभी ये देखें सारे बाग हैं जो कि कुर्बानी के हैं। अच्छा, यहाँ पे तोड़ने की इजाज़त नहीं है, अगर पूछ के आप खाना चाहते हैं। हाँ जी, अपना बाग है भाई, खाएं पिएं इंजॉय करें, कोई इस परमिशन हमें दे दी है भाई ने, तो अब हम ये तोड़ के खा सकते हैं। ये देखें कुर्बानी है, ये यहाँ के अपने बाग हैं भाई। हाँ, ये आपको मजीद अच्छी अच्छी से अच्छी चीज दिखाती है। मैं अभी एक और मैं भी तोड़ के देखूं भाई, आपको दिखाता हूँ, फिर चेक करते हैं। बिल्कुल देखें भाई, ये देखें फूल पक चुकी है, आई थिंक। ये देखें दोस्तों, ये है कुर्बानी का साइज। हमारे पास ये कुर्बानी पंजाब में आती नहीं है, ये सारी एक्सपोर्ट हो जाती है, एक्सपोर्ट होती है। और जो हमने चैरी बार खाई है वो फ्रांस चैरी थी, पासू के पास,
बहुत ही टेस्टी थी, मजेदार थी, बिल्कुल फ्रेश अभी तोड़ी गई। हाँ जी, और हमारे भाई जो है ना असन भाई, ये अब जो है बाकी असन भाई से और भी पूछते हैं थोड़ा सा, और हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आई थिंक और भी कोई चीजें हैं जो कि यहाँ पे अभी मौसम नहीं है। बादाम जी, यहाँ पे बादाम के भी हैं बाग, खुरबानी भी है, चेरी भी है, ठीक है, मगर ये पासू वाले इलाके में हम आए हैं यहाँ पे ज्यादा होती है खुरबानी, बादाम, ठीक है, अखरोट, ठीक है। अगर आप चेरी वाला मौसम में आए तो वो चेरी आपको मिलेगी हुंजा के अंदर, गिलगित शहर में और हुंजा वैली के नजदीक राउंड अबाउट 20 किलोमीटर के बीच में। जी 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 जी। उसके अलावा आपको चेरी खत्म हो जाती है जी, यही खुरबानी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्लास की मिलेगी, बहुत अच्छी क्लास की मिलेगी। और यहाँ पे बादाम आपको अच्छे मिलेंगे, अखरोट अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे बादाम का भी मतलब पौधे हैं, हाँ बिल्कुल है, मगर वो आगे जाना पड़ेगा। और व्यूअर्स, आप लोगों ने देखने वाले जितने भी हैं पूरा एंड तक देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। हमारा ट्रेवल जर्नी खत्म नहीं होने वाला जब तक हैं, अब कोई मौका नहीं हम छोड़ेंगे, कोई भी हमें अच्छी जगह आई तो हम वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो पहले सब्सक्राइब कर लें, अब आगे लेके जाते हैं, एहसन भाई हमारे साथ हैं और यहाँ पे हम मिलवाते हैं कुछ लोगों से भी। अच्छा चले गए, चले गए, यहाँ पे वर्कर हैं, आई थिंक वर्कर थे। ये देखें आप अखरोट का बादाम, ये सेब का एप्पल एप्पल, माशाल्लाह ये एप्पल के बाग हैं जी, ये जी तैयार हो रहे हैं एप्पल, ये एप्पल्स के हैं, वो आगे भी एप्पल है, एप्पल है आगे भी, हाँ जी ये भी एप्पल है। और ऐसी खूबसूरत जगह, हाँ ये देखें, ये एप्पल है अभी छोटा है, हाँ ये अक्टूबर के स्टार्ट में शुरू हो जाता है, सेब पक जाता है यहाँ पे। ठीक। ये मतलब कि एक्चुअली ये जो मतलब यहाँ के लोग जो हैं रहने वाले हैं माशाल्लाह से, उनका रोज़गार जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, ड्राई फ्रूट्स हो गया, इस तरह की चीज़ें। लेकिन कहने का मकसद है कि माशाल्लाह इतना इखलाक प्यार माशाल्लाह हमें कहीं और नहीं मिला, सीधी ऑनेस्टली रिव्यू है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कोई भाई नज़र नहीं आ रहे, वरना उनसे बात करते। खैर मूव ऑन होते हैं हम लोग थोड़ा सा बैक, क्योंकि टाइम थोड़ा है तो हमें थोड़ा सा आगे भी जाना है, आगे भी दिखाना है, तो थोड़ा सा सीन यहाँ से भी देख लें कि कैसी मतलब जगह है। चेक करें हर तरफ पहाड़ियाँ और हल्की फुल्की सी बारिश होती रहती है, और घूमते हुए हैं बारिश हर वक्त, हर वक्त बारिश होती है, दिन में एक दफ़ा लाजमी होती है। हाँ अरे मैं पानी में, अच्छा खैर कोई बात नहीं। सो इसी के साथ इजाज़त दें, और मुझे और असन भाई को भी इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिए, मैं थोड़ी सी बानी देख के आता हूँ, बहुत ही इजाज़त दें भाई, मैं एक और एक दो तोड़ के लेके आता हूँ भाई। थैंक यू, वीडियो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।